सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिसीज। आई एम ए फिजिशियन एंड काउंसलर एंड टुडे वी टॉक अबाउट द डिप्रेशन। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, लोग डिप्रेशन को समझते नहीं हैं, तो हम थोड़ा सा इस पर लाइट डालते हैं और डिप्रेशन के बारे में आपको एक प्रिवेंटिव और एक नॉलेज देते हैं जिससे कि आप डिप्रेशन को समझ सको, अपनी हेल्प कर सको, दोस्तों की हेल्प कर सको एंड दैट विल बी द गुड फॉर द सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो डिप्रेशन है क्या एग्जैक्टली? डिप्रेशन में क्या होता है कि जनरली एक इंसान कंटिन्यूसली सैड मूड में रहता है, मतलब लगातार दुखी रहता है। डिप्रेशन इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, एक मन की अवस्था है, लेकिन मन की अवस्था यदि कंटिन्यूस बनी रहे तो दैट क्रिएट ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जिसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउडेज डिप्रेशन हर पाँचवें या छठे इंसान में होता है। टेम्परेरी होता है, एपिसोडिक होता है और कई बार ये परमानेंट रूप भी ले लेता है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। डिप्रेशन का जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो पुअर एनर्जी, थकान होना, ताकत महसूस नहीं होती है और इवनिंग में हम बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं। सोसाइटल फीलिंग, हमें आत्महत्या का विचार आता है और कई बार हम ये अटेम्प्ट भी करते हैं। उसके बाद आपका पुअर एपेटाइट हुआ, मतलब आप कम खाना खाते हैं या एबनॉर्मल एपेटाइट हो सकता है, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं। उसके बाद आपको ट्रबल हो सकती है कॉन्सनट्रेट करने में, यानी आप फोकस नहीं कर पाते हैं और मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, आपको याद नहीं रहता है या आप कोई चीज़ याद नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप एक होपलेसनेस आती है लाइफ में, कोई मतलब आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, आप नेगेटिव कंटिन्यूसली फील करते हैं और कई बार ये भी बोलते हैं कि आई एम यूजलेस, मैं बेकार हूँ, और कोई आपसे ये कहे कि नहीं नहीं आप बेकार हो तो आप उसको रिप्लाई देते हैं कि नहीं नहीं, नहीं मैं महा बेकार हूँ। सो इससे कन्फर्मेटरी एक सिम्टम्स होता है कि भाई इंसान डिप्रेशन में है। एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी मतलब आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तेज तेज बात करेंगे, दूसरे को नहीं सुनेंगे, या एक विड्रॉल हो सकता है। विड्रॉल से मतलब होता है कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है या इंसान बोलता ही नहीं है, मतलब रिप्लाई ही नहीं देता। सो ये चीज़ें देखी जाती हैं और सडन कई बार देखा जाता है कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत होता है इसमें, या तो इंसान लेजी रहता है, सोता ही रहता है, वो ऐसा लगता है उसे कि वो सो रहा है लेकिन उसको प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, या उसकी नींद टूट टूट के आती है, मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप इन अ बिट। तो ये सब देखा जाता है। 9 स्टैंडर्ड सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, उसमें से 5 सिम्टम्स पॉजिटिवली होने चाहिए, 2 वीक्स से ज़्यादा होने चाहिए कंटिन्यूसली, तब एक डायग्नोसिस बनेगा डिप्रेशन। यदि एपिसोडिक है, मतलब कभी कभी डिप्रेशन आता है 1-2 दिन के लिए, तो वो टेम्परेरी है, वो सबको होता है। यदि आपको डिप्रेशन कंटिन्यूसली रहता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, ये 5 सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने फैमिली में बात करें और उस पेशेंट को, उस इंसान को डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसे मोटिवेट करें कि वो डॉक्टर के पास जाए और डायग्नोसिस कराए, ट्रीटमेंट लें। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कि उसके कॉज क्या होते हैं, डिप्रेशन के कॉज क्या हैं। एक बायोकेमिकल कॉज है उसका, बायोकेमिकल मतलब नॉनएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स हैं। ये या तो एबनॉर्मल सिक्रीशन इनका देखा जाता है, एक ये कारण है इम्बेलेंस ऑफ द हार्मोन्स, इसको हम बायोकेमिकल भी कह सकते हैं, बायोकेमिकल चेंज के कारण फिजियोलॉजिकल चेंज भी होता है। उसके बाद आपका आता है लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर। लाइफस्टाइल में मतलब आपकी सराउंडिंग क्या रही, आपकी ट्रेनिंग क्या रही, आपके परिवार में आपको कैसे ट्रेंड किया गया। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी और कंटिन्यूसली आयरन की डेफिशिएंसी से भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। लंबे समय तक एनीमिया फीमेल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर फीमेल्स के अपने सिंड्रोम्स हैं, मेस्ट्रुअल सिंड्रोम और हार्मोनल इम्बेलेंस भी फीमेल्स में डिप्रेशन के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव कारण होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका परसेप्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मैनेज क्या हो सकता है, मतलब सेल्फ लेवल पे आप क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल रहेगा। डिप्रेशन का जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहली ज़रूरत जो है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, कि अकेलापन ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, अकेले ना रहें।
लोगों से बात करें, लोगों में घुलने मिलें। दूसरे लेवल पे आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम से मतलब मेरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, लंबे सांस छोड़ें, लंबे सांस लें, अपने सांस पे फोकस करें, अल्टरनेट नेजल ब्रीथिंग करें, एक नॉस्टल से सांस अंदर भरें और दूसरे से सोचें और छोड़ें और उसके साथ फोकस करें। मेडिटेशन में आप अपने को डिटैच करें, जो आपकी चिंता है, जो बरीड है, जो आप मल्टीपल थॉट के साथ जा रहे हैं, उसको धीरे धीरे कम करें, एक थॉट पे फोकस करें। आफ्टर दैट आप वॉकिंग करें, वॉकिंग बहुत हेल्पफुल है, इसमें मस्कुलर एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है और एंटी डिप्रेशेंट का काम करती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, आपको डिप्रेशन से रिकवर कराने में बहुत मदद करती है। अब हम आते हैं कि फूड वाला पार्ट क्या है। फूड में आप पपैया खाएं, पपीता खाएं, अमरूद खाएं, सेब खाएं, ग्रीन रेड वेजिटेबल्स खाएं, किशमिश खाएं और अखरोट खाएं। इन सब के अपने एक प्रॉपर एंटी डिप्रेशेंट इफेक्ट होते हैं, एंटी डिप्रेशन की तरह ये काम करते हैं। प्रॉपर नींद लें, अच्छी नींद लें और सनरेज आप में सन में ज़रूर जाएँ, धूप में, खुली धूप में ज़रूर जाएँ, खुली हवा में, पार्क में आप ज़रूर घूमें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्रिवेंशन के बारे में मैं सदा बात करता हूँ, आपको यदि डिप्रेशन से बचना है तो आपको लाइफ में चार चीज़ों से बचना होगा। कन्फ्यूजन, लाइफ में लंबे समय तक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को कैरी ना करें, उससे बाहर निकलें, उसको डील करें और आगे बढ़ें पॉजिटिवली। उसके बाद आता है आपका गिल्ट। गिल्ट भी यदि लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहेगा तो आपको डिप्रेशन होने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। सो आप अपने गिल्ट को डील करें। कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट, कोई गॉड नहीं है, हम सब प्लस माइनस हैं, सबसे गलतियां होती हैं, आगे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बढ़ें। उसके बाद आता है आपका फियर, कि हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं कि कल आने वाले कल में कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। उस डर से ना डरें, नेचर पे पूरा बिलीव रखें, गॉड पे पूरा बिलीव रखें, अपने पे पूरा बिलीव रखें, सब कुछ ठीक होगा, उसके साथ आगे मूव करें। नेक्स्ट इज फोर्थ जो पॉइंट है वो है डिज़ायर। एक्सेसिव डिज़ायर जो होती है वो भी आपको आइदर आप एंजाइटी में चले जाते हैं या विड्रॉल डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। तो एक्सेसिव डिज़ायर जो होती है वो भी गलत है, आप अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करें अकॉर्डिंग योर अर्निंग। सो ये बात होती है प्रिवेंशन की। ये चार चीज़ें जो हमने एक्सप्लेन की, ये आपको लाइफ में नहीं करनी है, इनसे आपको बचना है, इस स्टेट से बचना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, कन्फ्यूजन, गिल्ट, फियर एंड डिज़ायर। इसके बाद हम आते हैं कि चार ऐसी चीज़ हम क्या करें जिससे कि डिप्रेशन से बाहर आ जाए और डिप्रेशन हमें ना हो। चार एफ का फॉर्मूला आपको लाइफ में याद रखना है। फर्स्ट एफ मीन्स फैमिली, सेकेंड एफ मीन्स फाइनेंस, थर्ड एफ मीन्स फिटनेस एंड द फोर्थ एफ मीन्स द फ्रेंड्स। चारों में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, चारों के साथ रहना है, चारों के साथ लाइफ को एंजॉय करना है, देन यू कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिप्रेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रिवेंशन तो करेंगे ही डिप्रेशन की, डिप्रेशन से, बल्कि डिप्रेशन से बच भी पाएंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बचा पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, अंडरस्टैंड करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।